इतनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। तो आज है हैप्पी मदर्स डे, तो आप सबको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और ऐने यहाँ पे शरारतें कर रही, और देखिए अब आके मेरे पास बैठ जाएगी। कौन था बाबू, पता नहीं कौन आया, डॉगी आया, उसको भौंकों करके भगा दिया। तो ऐने की मस्ती और ऐने के साथ ये व्लॉग को शूट करते हैं। अनु हाँ मेरे बाबू, ओ जी ऐनी कर रही शरारतें, मेरा कहना नहीं मान रही। इधर आओ अनु, इधर आके बैठो, इधर आओ, सीट बैठो यहाँ पे। वो पता नहीं अपने टॉय ढूंढ रही है, उसका खिलौना मैंने वहाँ पे रख दिया है वहाँ पे। तो बार बार ये शरारतें कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको सेट पे रख देते हैं और व्लॉग को शूट करते हैं। बाकी इसकी मस्ती देख लो, बस इसको कुछ ना कुछ चाहिए खेलने के लिए। अब क्या लेके आई है? हाँ सीट, अच्छा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। क्या खर बाबू, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली के साथ। हैप्पी मदर्स डे एंजॉय कीजिए। लो जी आज मदर डे स्पेशल बना रही है गिन्नी मेरे लिए बढ़िया कोई चीज। चिकन बना रहे हैं, चिकन। हाँ वीडियो को मैं वीडियो शूट करूंगी और गिन्नी बनाएगी। तो जी ये है कुछ खड़े मसाले, क्योंकि गिन्नी मसाले डालती नहीं है, ये सारे कुट देती है। ठीक है, ये कटोरी भर के टमाटर, टमाटर ये अदरक लहसुन और ये प्याज और ये गिन्नी ने बस ये सिर्फ 5 टुकड़े हैं। और सामान देख लो कितना सारा, क्योंकि ग्रेवी बनानी है। बहुत टेस्टी बनता है, ज्यादा हम लहसुन प्याज वगैरह डालें तो तभी ग्रेवी अच्छी बनती है और चिकन भी टेस्टी बनता है। तो आइए स्टार्ट करते रेसिपी। करो और ये बना रही है सरसों के तेल में, क्योंकि सरसों के तेल में बहुत और बनता है, बहुत टेस्टी है। तो थोड़ा सा स्लो कर देंगे। ठीक है, ये हफ्ते खड़े मसाले हो गए अच्छे से फ्राई। इसमें ऐड करेंगे प्याज, हल्का हल्का सा पिंक हो गया देख लो। इसमें साथ में ऐड कर देंगे चिकन, इसमें भी अच्छे से मिला देंगे। करेंगे लहसुन, ऐड कर दिए हमने लहसुन अदरक का पेस्ट जो कुटा हुआ है ना, अरे कुटा है। मास्टर शेफ आई है। नहीं इतना तो बन जाता है, खुशबू अच्छी लग रही है। आपसे तो मैंने सीखा है, मेरे को ये बनाना आता है। आप जैसे जैसे बनाते रहते हो मैं आपको देखती बनाती रहती हूँ। खुशबू आ रही है वैसे मम्मी सरसों के तेल में ना, हम जैसे कोई भी सब्जी बनाते हैं ना खुशबू एक अलग ही होती है, उसका टेस्ट ही बहुत अच्छा होता है ना। तो जी चिकन देखिए अच्छे से भून चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे चिकन, हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी, लाल मिर्च, नमक, मम्मी का होममेड मसाला और कसूरी मेथी। वाह भाई वाह, खुशबू तो अभी आ गई। अभी तो बनेगा, अभी तो आपको खुशबू आएगी, आपने तो मेरे को इतना अच्छा सा सिखाया हुआ है। अच्छा एक हम होटल ना खोल लें अपना,
कमेंट बॉक्स में बताना, हम एक छोटा सा होटल ही खोल लेते हैं दोनों मदर्स डे स्पेशल रेसिपी और जिनियर बिना होटल खोल लेते अच्छा है मम्मी, बहुत टेस्टी खुशबू आ रही है। सच्ची मैं सोचती हूँ ऐसे ही मेरे को वो कर रहे हो, अप्रिशिएट, बड़ी अच्छी आ रही है। तो जी इसमें जरा सा पानी डालेंगे बस, ताकि ये मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब कितनी देर कम से कम इसको और भूनना है? हल्का सा पानी ऐड किया है, ठीक है, इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से भुनेंगे और फिर इसे ढककर पकाते हैं, ठीक है। ध्यान से कर, हाथ ना जला लियो। नहीं नहीं, आग नहीं डर गई। नहीं हरी, खुशबू आनी स्टार्ट होगी। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर, एक कटोरी टमाटर भर के। कम से कम मैंने 7 से 8 टमाटर लिए, ये छोटे छोटे थे। इसे ढक देंगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं बारी। अब इसमें हम कम से कम 1/2 ग्लास पानी डालेंगे। आधा ग्लास पानी बहुत है? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि हमें ना ज्यादा इसको पतला नहीं करना है, हमने सिर्फ रोटी पराठे के लिए करना है। और एक विसल बजा देते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद आपको दिखाते हैं कितना बन चुका है। तो जी गैस को कर देते हैं बंद और स्टीम को होने देते हैं थोड़ा सा नॉर्मल, क्योंकि मम्मी अंदर कुछ काम कर रही है और मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ। मम्मी काट रही है सुबह के लिए सब्जी और मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपने लिए सीख कबाब। स्टीम नहीं निकली है पूरी तरह से, साथ में यहाँ पे मैं भूनने लगी थी आटा। तो जी यहाँ पे स्टीम निकल चुकी है और यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है। तो जी अब मैं कुकर खोलने लगी हूँ एक हाथ से और एक हाथ से शूट करूँगी। देखिए ग्रेवी मुझे इतनी ही थिक चाहिए, आपको दिखाती हूँ क्या इसका कलर है, इतना प्यारा और खुशबू बहुत ही लजीज। ये मैं आपको बता सकती हूँ पर आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलेंगे आपको जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय। और हैप्पी मदर्स डे, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए, मम्मा को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दीजिए, चाहे छोटा मोटा कुछ बना के खिला दीजिए।